सेवी शख्स जो कि इन दिनों भारत आए हुए हैं। जानिए आप भी सरहद के उस पार डामरुमल की जुबानी हमारे संवाददाता प्रहलाद प्रजापत के साथ। अमरकोट जिला पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र का जाना माना जिला है। इसी जिले के समारोह तहसील में बसा है समारोह शहर। डामरुमल मेघवाल इसी समारोह शहर का निवासी है। भारत पाक बंटवारे के दौरान जो हिंदू परिवार पाकिस्तान क्षेत्र में रह गए उनके परिवार के सदस्य आज भी सरहद के इस पार भारत के कई शहरों में रहते हैं। पाकिस्तान में लगी इमरजेंसी से पहले 12 अक्टूबर को डामरुमल भारत के लिए थार एक्सप्रेस में सवार हुआ और 14 नवंबर की सुबह 1:30 बजे जोधपुर पहुंच गया। यहां इसकी कोशिशें शुरू हुई बाड़मेर आने की। 20 दिनों के सतत प्रयास के बाद आखिर बाड़मेर आने की डामरुमल को इजाजत मिल गई। यहीं आकर डामरुमल ने अपने शहर अपने वतन की बातें कही। डामरुमल बताते हैं कि पाकिस्तान में लगने वाली इमरजेंसी से आम आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता, यह तो सियासी नेताओं के फंडे हैं। माँ बाप बहन भाई सब इधर हैं। ये पर इधर जो पता लिया परिवार रह रहा वो मेरे नाने मामे हैं सब। आपको पता है शहर में कितनी मुश्किल है, इनको किराया और मेरा वहाँ खर्चा, हालांकि खर्चा इन्होंने किया लेकिन खर्चा तो वहाँ चलता है, तो ये मुश्किल थी। फिर वो जब पहुंचा बाड़मेर उसके बाद दिल ठंडा हो गया। समाज सेवक हूँ और मैं इसी हिसाब से, वो तो हमारे लिए एक नई बात है नहीं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो इधर बोला कि आ गई आपके पास फोन, मैंने कहा फोन आते रहते हैं, वहाँ इस्लामाबाद की मसला है, हमारे यहाँ कोई नहीं। हमारे यहाँ ये मुसलसल 40 साल 50 साल मार्शला चली, हमारे लिए कोई नई बात ही नहीं है। कोई अहम चीज़ जो मतलब इस्लामाबाद वो प्रधानमंत्री या सरदार या उनके लिए मसला है, चीफ जस्टिस का मसला है, उसमें के लिए कुछ नहीं है। मतलब 15 साल जमहूरियत रही है, 10-15 सिर्फ, तो बाकी मार्शला में रहे हम, फौजी डिक्टेटर आए हैं, तो डिक्टेटरों का जो राज है वो फिर वो क्या करते हैं, खरीद लेते हैं नेताओं को, तो वही नाम देते हैं ये जमहूरियत है। 11 साल एक रहा, 10 साल दूसरा रहा, 15 साल दूसरा, ऐसे वो आखिर तक रहे, आखिरी जो उसमें सांस था तब तक एक ही मेरे ख्याल है ज़िया और सदर अयूब ने छोड़ा, बाकी किसी ने नहीं छोड़ा। मोहब्बत करते हैं वहाँ, कोई इस चीज़ नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, हर चीज़ पे हमारे हिस्सा है। हम नेता भी हैं छोटे बड़े और अखबारों में भी हैं, एडिटर भी हैं, अखबारों के मालिक भी हैं। यहाँ तक आपने बोला देखा होगा कि भगवान दास सुप्रीम कोर्ट जज भी बना, तो कोई नहीं है वहाँ हमारे खुद में मेघवाल जो है, यहाँ देखा मैंने इससे तो बेहतर पोस्टों पर है। एक डायरेक्टर जो मतलब आधे सिंध पे जो वो डायरेक्टर हमारे डॉक्टर राणा साहब वो उतरे हैं, खानदान में चार चार पांच में डायरेक्टर डॉक्टर राणा साहब हैं, तो 4 बेटे डॉक्टर 1 इंजीनियर, मतलब 5 हैंड लड़के 5 ही अफसर हैं। वहाँ बोलते हैं 17 ग्रेड मतलब फर्स्ट ग्रेड सही है, 17 ग्रेड हम बोलते हैं, वो अफसर होता है गजेटेड जो अपनी तनख्वाह खुद बनाता है और ये अटेस्टेड भी करता है, तो 17 ग्रेड का अफसर हमारे यहाँ जो है ना वो कम से कम 200 से ज्यादा होंगे। अपने वतन की बात करते हुए वे ये भी बताते हैं कि फौज को छोड़कर हर सेक्टर में हिंदुओं को ऊंचे पद की नौकरियां आसानी से मिल जाती हैं। नशाखोरी को लेकर इन्होंने विचार व्यक्त किए कि भारत में गुजरात को छोड़कर कहीं भी नशे पर पाबंदी नहीं है, जबकि पाक में नशा करने वाला खुद परेशानी में पड़ जाता है, वहीं पाक में मदिरा पान पर कड़ी पाबंदी है। उन्होंने बताया कि पाक महिलाएं भारत की तरह मोटरसाइकिल नहीं चलाती। सिंध पर बात चली तो अजरक टोपी को मुस्लिम पहनावा न बताकर इसे सिंध सेक्टर की पहचान और पहनावा बताया, जिसे हर हिंदू और मुस्लिम दोनों पहनते हैं। डामरुमल पाक के कुछ अखबारों में बतौर खबरनोइस भी काम कर चुके हैं। इनके अनुसार पाक में हिंदी समाचार पत्र नहीं छपते। डामरुमल बताते हैं कि मुनाबा में भारतीय रेलवे की अच्छी सुविधाएं हैं, जीरो पॉइंट पर सुविधाओं की कमी है, अधिकारी कम है, वही रेलवे प्लेटफॉर्म भी अब तक पूरी तरह तैयार नहीं है, सुविधाओं के नाम पर अनपढ़ यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। खबरें अभी और भी है, जानने के लिए देखते रहिए।